बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा भागंगा मोयिनाबाद सभलो बीजेपी अधिकार प्रतिनिधि संबित पात्रा मात्लाडुतुन्नारु अला विपरीत चूद्दां प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है, प्रत्येक तेलंगाना वासी हैदराबाद वासी का ये कर्तव्य है कि इस 17 सितंबर लिबरेशन डे को ये धूमधाम से मनाए। और जिस प्रकार 14 अगस्त को मोदी जी ने कहा कि विभाजन दिवस के रूप में हमें याद रखना है, हमें स्मरण रखना है कि विभाजन हुआ था, ठीक उसी प्रकार हैदराबाद और तेलंगाना के प्रत्येक निवासी को यह याद रखना है कि 17 सितंबर को लिबरेशन डे है। और मैं चैलेंज देता हूं मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया था कि आप सत्ता में आएंगे, तेलंगाना राज्य बनेगा तो आप लिबरेशन डे मनाएंगे। वो कौन है जिसके डर से आप लिबरेशन डे नहीं मनाते? वो कौन है जिसके डर से आप लिबरेशन डे नहीं मनाते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, 17 सितंबर आ रहा है, आप लिबरेशन डे बनाइए, नहीं तो लिबरेशन डे बंडी संजय गारू और भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, भारत माँ के साथ सदैव खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा और आप सभी से और बंडी संजय जी से मैं अनुमति लूंगा, क्योंकि मेरे फ्लाइट का समय हो रहा है, एक मीटिंग भी, एक बैठक भी है दिल्ली में। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांध करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद जी, संबित पात्रा जी, आप दिल्ली से आके हमारे को पूरे भरोसा दिया, पूरे हमारे को मदद दिया, हमारे यात्रा को मदद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हमारा जो रंगारेड्डी जिला के तरफ से आपका।